वैक्स को गर्म करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि हमारे पास एक अच्छा वैक्स हीटर हो, और अगर वो वैक्स हीटर हमें रिजनेबल प्राइस में मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। इसलिए मैंने सर्च करके यहाँ पे आपके लिए लेकर आई हूँ अंडर 500 एक ऐसा वैक्स हीटर जो कि डबल कंटेनर के साथ आता है और बहुत ही अच्छे से हीट करता है। तो ये वैक्स हीटर है प्रो वैक्स 100। तो इस वीडियो में मैं इसकी पूरी डिटेल बताऊंगी, आप अनबॉक्सिंग देखिए और यहाँ पे आप पास से देख सकते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अच्छे से आप इसको कैरी कर सकते हैं, इवन प्रोफेशनल यूज़ के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए पूरी वीडियो देखते हैं और एंड में आप खुद डिसाइड करिएगा कि आपको ये प्रोडक्ट लेना है कि नहीं लेना। तो अनबॉक्सिंग करने के बाद मैंने इस वैक्स हीटर में, जैसे दो बॉक्स हमें मिलता है, एक अल्मोनियम कंटेनर इसमें लगा हुआ है अटैच है और एक अलग से मिलता है, तो इसमें मैंने रखा है ये रिका वैक्स का कंटेनर। ठीक है, ये आप इसमें रखेंगे इसलिए ताकि ये ऐसे ऑटोमेटिक टीन के अंदर गर्म हो जाएगा, और ये जो बीट वैक्स है ये मैंने इसमें डाल के रखा हुआ है। तो जब भी आप इस तरह का कोई वैक्स गर्म करना हो तो आप इस कंटेनर में गर्म करेंगे, कोई भी वैक्स मतलब आपको डाल के गर्म करना तो आप इसमें डालेंगे। कुछ कंटेनर रखना है आपको तो आपका जो इसमें ये मिला हुआ है इसी में रख देंगे आप। ठीक है, और ये मैंने स्टार्ट कर दिया, मैं आपको बता दूंगी हाफ वैक्स से थोड़ा कम वैक्स से कितनी देर में गर्म होती है, बट वैसे मैक्स मिनिमम अगर आप फुल भी रखते हैं तो आपको ये कोई भी वैक्स हीटर 15 मिनट्स तो लेगा ही लेगा, 15 से 20 मिनट्स गर्म होने में। तो आप पेशेंस रखिएगा कि आराम से गर्म होने दे वैक्स को, तो ये गर्म हो ही रहा है। बाकी मैं एक दो चीज़ें और बता देती हूँ आपको, जब मैंने ये बाय किया था तो उस टाइम पे जो इसका नोब है ये थोड़ा सा निकला हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा ये ऐसे ही है, लेकिन ये आप देखिएगा जब भी बाय करेंगे इसको अंदर प्रेस कर दीजिएगा, ये इस तरीके से फिट हो जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। और मैं आपको एक बार प्लग भी दिखा देती हूँ कि इसमें प्लग आपको कैसा मिलता है, ये ऐसा प्लग है तो कंफ्यूज़ मत होना, ये दो ही ऐसा प्लग पॉइंट पे लगेगा। तो उसको मैं फिर से लगा देती हूँ और मैं वेट कर रही हूँ कि ये कितनी देर में गर्म हो रहा है, तो मैं एक बार टाइम भी आपको बता दूँगी। मैंने स्टॉप वॉच लगा के रखा हुआ है तो फटाफट देखते हैं कितना टाइम देता है ये वैक्स गर्म होने में। तो ऑलमोस्ट 10 मिनट 40 सेकेंड हो चुके हैं, तो उसमें जो ये वैक्स गर्म हुई है वो आप देखिए इतनी हुई है। तो आप देख लीजिए जब भी आप करेंगे तो आराम से इसको हाफ एन आवर पहले लगा दीजिए, आराम से गर्म हो जाएगी ये, और जल्दी हो रहा है अगर आपको जल्दी करना है तो आराम से इस वाले वैक्स को, टीन वैक्स को आप गैस पे बिल्कुल लो फ्लेम पे भी रख सकते हैं, वो आराम से गर्म हो जाएगी, तब आप इसमें ट्रांसफ़र कर लीजिए और फिर आप आराम से इसे करते रहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप जब गैस पे रखेंगे तो नीचे से वैक्स जलने लग जाती है, जब अगर आप हाई फ्लेम पे रखेंगे तब जलती है। तो लो फ्लेम पे आप रखिए वैक्स को, आराम से पूरा गर्म कर लीजिए जितना आपको रखना है इसका टेम्परेचर, और फिर इसे वैक्स हीटर में ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो इसको मैं रखती हूँ साइड और अब मैं इस वाले कंटेनर को इसके अंदर डाल देती हूँ, तो ये भी हम देख लेते कितनी देर में गर्म होगा। ये तो जल्दी गर्म हो जाएगा वैसे, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले वाला कंटेनर भी गर्म है, और इसकी जैसे अभी 10-15 मिनट ऑन है, ये 10-15 मिनट से ऑन है ये वैक्स, तो ये बॉडी भी इसकी थोड़ी थोड़ी गर्म हो रही है, बट ये सब कॉमन है, हर वैक्स हीटर के साथ होता है, तो आप इसको बिल्कुल भी नेगेटिव पॉइंट मत लीजिएगा, ये होता रहता है। आप इसे अच्छे से एक सरफेस पे जहाँ पे आपको करना है वहाँ पे रखिए, बहुत ज़्यादा टच मत करिए, और जब भी आपका काम ख़त्म हो जाता है तो इसे आराम से साइड में रख दीजिए। तो ये तो देखिए मैंने लगाया है और 2 से 3 मिनट्स में ही गर्म होने लगी है, तो आगे और 5 मिनट के अंदर ये गर्म हो जाएगी। तो 5 मिनट्स के आसपास ये जो मेरी बीट्स वैक्स है वो आराम से यूज़ करने के लिए तैयार हो चुकी है, आप ये देखिए आराम से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जो इसका ये पकड़ने के लिए ये भी प्लास्टिक है तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, वैसे कुछ गर्म नहीं होगा, लेकिन चाहे तो आप इसको इस तरीके से रख सकते हैं जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, और जब भी आपको लग रहा है कि ये वैक्स हटाना है तो आप इसको हटा लीजिए और जो दूसरा वाला वैक्स है आराम से इसको रख लीजिए। तो आराम से आप जो बीट वैक्स है, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में बताया है, जो बीट वैक्स होता है वो आपके अंडर आर्म्स के लिए, बिकनी एरिया के लिए, आप फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपको वही यूज़ करना चाहिए।
और फुल बॉडी के लिए अगर आपको वैक्स यूज़ करना है तो आप रिका वैक्स यूज़ कर सकते हैं और या फिर हनी वैक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप घर में सेल्फ वैक्स प्रॉपर करते हैं, आप दो तरह तीन तरह के वैक्स यूज़ करते हैं, तो आप ये वैक्स हीटर ज़रूर बाय करिए और इस तरीके से इसे यूज़ करिए। और एक चीज़ मैं आपको और दिखा देती हूँ इसके साथ, ये इसको पढ़ना मत भूलिएगा, यहाँ पर सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, एक बार इसे ज़रूर रीड करिएगा ताकि आपको और भी अच्छे से इसकी पूरी नॉलेज मिल जाए। तो आप अगर प्लान कर रहे हैं वैक्स हीटर लेने का तो आप अमेज़ॉन से या फिर फ्लिपकार्ट से इसको ज़रूर बाय करिएगा। और एक चीज़ मैं आपको और लास्ट में बता देती हूँ, ये वाला वैक्स हीटर मैंने केवल वैक्स हीटर बाय किया है इसलिए मुझे ये 450 का पड़ा है। इसके साथ एक और डील भी थी जिसमें आपको ये हॉट वैक्स बीड वैक्स 100 ग्राम्स मिलेगा, साथ में आपको कुछ दो तीन ये स्पैचुला होंगे या फिर एक स्पैचुला होगा और साथ में आपको वैक्स स्ट्रिप भी मिलेगी। तो अगर वो वाला आप बाय करना चाहते हैं, अगर आपके पास वैक्स अभी आपके पास नहीं है, तो आप इस तरीके का भी डील ले सकते हैं। तो जो भी आपको पसंद आए जल्दी से जाइए और अपने लिए वैक्स हीटर बाय कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।